हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा, जिसमें हमने इवोल्यूशन के अभी तक टाइप्स देखे। ठीक है, तो हमारे पास इवोल्यूशन के मेनली चार टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन हमने देखा अभी तक। तो उसमें कौन कौन सा टाइप्स था इवोल्यूशन में? वन वॉज द माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले सेकंड हमारे पास था मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, और थर्ड अगर बात करें तो हमारे पास थर्ड कैटेगरी था हमारे पास मेगा इवोल्यूशन। और अगर फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो दैट इज मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस की हुई है, तो आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, हमने कहा माइक्रो इवोल्यूशन में मेनली अगर हम रीजन देखें तो दीज वर माइक्रो इवोल्यूशन की, अगर हम माइक्रो इवोल्यूशन जो था दीज वर द स्मॉल स्केल इवोल्यूशन। ठीक है ना, दीज वर द स्मॉल स्केल इवोल्यूशन। स्मॉल स्केल चेंजेस, ठीक है, बाकी जो मैक्रो इवोल्यूशन था, ठीक है, या मेगा इवोल्यूशन था, ठीक है ना, मैक्रो इवोल्यूशन दिस वेयर द ये और मेगा, ये क्या था, मैक्रो वाज द लार्ज स्केल चेंजेस दैट वर फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अगर हम देखें मेगा इवोल्यूशन, इट वाज आल्सो ए लार्ज स्केल चेंजेस। ठीक है ना, इट वाज आल्सो ए लार्ज स्केल इवोल्यूशन और लार्ज स्केल चेंजेस दैट वॉज ऑब्जर्व इन, जिसको देखा गया था डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये था, जो मेगा इवोल्यूशन थे, ठीक है, इट वॉज द चेंजेस या मेगा इवोल्यूशन में क्या हुआ था, क्या होता था, इसमें जो चेंजेस होते थे उसमें जैसे क्या होता था, ओरिजिन ऑफ क्या होता था, लार्जर ग्रुप्स इसमें हमें देखने को मिलता था, किसमें, मेगा इवोल्यूशन में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें लार्जर ग्रुप्स की, अगर बात करें तो वो ग्रुप्स विच वर एबो द जनरल लेवल या जीनस लेवल, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या था, उसमें अगर लार्जर ग्रुप की बात करें तो दैट वॉज ओरिजिन ऑफ लार्जर ग्रुप सच एज फैमिली की अगर हम बात करें, ठीक है, या अगर हम बात करें क्लास की या ऑर्डर की या फाइलम की बात करें, ठीक है, तो इनमें मेगा इवोल्यूशन में हमें एक लार्जर ग्रुप जैसे फैमिली होता है उसकी, या ओरिजिन किसका होता था, एक क्लास का, एक फैमिली का, ऑर्डर का या एक फाइलम का ही हमें ओरिजिनेशन या ओरिजिनेट होते हुए हमें नजर आ रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा मेगा इवोल्यूशन की एग्जाम्पल अगर हम कहें तो उसमें क्या था, जो एम्फीबियंस का, किसका, एम्फीबियंस का, ठीक है, जो एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, जो एम्फीबियंस की अगर बात करें, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस, ठीक है ना, फिशेस से एम्फीबियन का ओरिजिनेशन होना, That was an example of mega evolution, ठीक है, या अगर हम बात करें reptile से originate, किसका, क्या originate हुआ reptile से, birds की origination, ठीक है ना, तो ये जो थे these were the examples of mega evolution, क्या था, these are the examples of mega evolution, ठीक है, तो बाकी हाँ, तो ये जो था हमने इसमें देखा, बाकी माइक्रो इवोल्यूशन में क्या रीजन था, जो स्मॉल स्केल चेंजेस जो थे ना माइक्रो, अब इनमें क्या डिफरेंस था, माइक्रो इवोल्यूशन की अगर आप बात करें, किसकी, सॉरी मेगा इवोल्यूशन या मैक्रो इवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो मेगा इवोल्यूशन वो इट वॉज वर्ड मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है, तो ये क्या था, लार्ज स्केल चेंजेस दैट वॉज ऑब्जर्व इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इट वॉज द चेंजेस दैट वॉज ऑब्जर्व इन ग्रुप्स, ठीक है, मैक्रो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें,
मैक्रो इवोल्यूशन को हमने नाम दिया क्या, अडाप्टिव रेडिएशन भी नाम दिया था इसको, क्या नाम दिया था, अडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। इसमें चेंजेस जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स में हमें चेंजेस देखने को मिलता था किसी ऑर्गेनिज्म की, और जिस वजह से क्या होता था, जिस वजह से डिफरेंट हमें ग्रुप्स या सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स जो हमें सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स जो है वो हमें देखने को मिलता था इसमें, ठीक है। इसमें हमें इट इन्वॉल्व द सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना, जो ग्रुप्स प्रेजेंट थे उसको फर्दर डिवाइड करते थे, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व द सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना, किसमें, मैक्रो इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्रो इवोल्यूशन को इट वॉज ऑल्सो नोन एज अडाप्टिव रेडिएशन, इट वॉज ऑल्सो नोन एज मैक्रो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैक्रो इवोल्यूशन को क्या कहता था, इट वॉज ऑल्सो नोन एज अडाप्टिव रेडिएशन। और अगर हम देखें मैक्रो इवोल्यूशन को, फिर उसके बाद हम देखें इसमें क्या होता था, ये वो सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना, सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स जो है हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो मैक्रो इवोल्यूशन में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल था हमारे पास जो अडैप्टिव रेडिएशन मैमल्स में हुआ करता था, किसमें एग्जांपल था इसका, अडैप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, ठीक है। ये मैंने आपको अलग से एक टॉपिक भी दिया था, अडैप्टिव रेडिएशन और रेडिएशन इन मैमल्स का, ठीक है ना। यानी जो मैमल्स था, ठीक है ना, उनमें जो मैमल्स था अडैप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। तो इनमें जो चेंजेस होता था वो मेनली किसकी वजह से होता था, दैट वॉज ड्यू टू चेंजेस। और ये जो माइक्रो इवोल्यूशन का रीजन क्या था, इट वॉज ड्यू टू चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरमेंट, यानी फिजिकल एनवायरमेंट में चेंजेस होता था, उस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वो क्या होता था, रेडिएट आउट होता था या वो इवॉल्व होता था। मान लीजिए अगर जो एंसेस्ट्रल मैमल की बात करें, ठीक है, वो दैट हैड ए वॉकिंग हैबिट, वो क्या करता था, वॉक करता था। और अगर हम बात करें दिस वॉज इंसेक्टिवोरस था, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट खाता था, एंड इट वॉज एन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इट रेडिएट आउट, ठीक है ना, अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, ये रेडिएट आउट होती है, ठीक है, और डिफरेंट एनवायरमेंट्स में वो ये पहुंच जाता है, ठीक है। ये मैमल्स की जो पॉपुलेशन है डिफरेंट एनवायरमेंट्स में ये पहुंच जाती है, तो डिफरेंट एनवायरमेंट में या डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस की वजह से ये मैमल जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बैट, यहां मान के चलिए बैट फॉर्म हुआ तो वो फ्लाई करेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें चीता की, ठीक है ना, तो वो रनिंग करेगा, यहाँ पे तो वो वॉक करता था, ठीक है। या अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे स्लोथ की, तो वो क्या करता है, उसकी हैबिट जो है वो क्या होता है, आर्बोरियल होता है, यानी ट्रीज पे रहते हैं। स्क्वायरल की भी बात करें तो वो भी ट्रीज पे रहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास फर्दर एक है कैंगेरू, ठीक है ना, कैंगेरू जो है उसमें अगर हम देखें जो उसकी हैबिट है वो कैसा होता है, लोकोमोशन जो है वो लीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन जो है शो करता है, ठीक है ना। सो इसमें जो चेंज आता है वो फिजिकल एनवायरमेंट की वजह से, किसमें, मैक्रो इवोल्यूशन में, ठीक है ना। और अगर हम देखें माइक्रो इवोल्यूशन की अगर बात करें तो दीज आर द स्मॉल स्केल चेंजेस दैट इज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में हमें ये चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसको माइक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो जाएगा, किसमें, एक नए ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो उसमें रीजन क्या क्या होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो इवोल्यूशन, तो उसमें हमारे पास रीजन होता है म्यूटेशन, ठीक है ना, और रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। या अगर आप बात करो नेचुरल सिलेक्शन भी एक रीजन होती है, ठीक है। या अगर आप बात करें, ठीक है ना, स्पेसिएशन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, या जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो बोलो आप, ठीक है ना, जीन फ्लो बोलो या जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलो, ठीक है।
दीज आर द प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो इवोल्यूशन. ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा था किसमें, हमने एग्जाम्पल में देखा था सी अर्चिन, ठीक है ना, किसमें सी अर्चिन. ठीक है, सी अर्चिन जिसको हम मिक्रास्टर बोलते हैं. ठीक है, मिक्रास्टर जो है, मिक्रास्टर कार्बोनिस जो है, मिक्रास्टर कार्बोविस जो है, इसमें डिफरेंट चेंजेस होता था ड्यू टू चेंजेस ड्यू म्यूटेशन की वजह से, और वो इवॉल्व होता है किसमें, मिक्रास्टर, मिक्रास्टर कोरेंजिनम में. ठीक है ना, मिक्रास्टर, मिक्रास्टर कोरेंजिनम में. ठीक है, सी ओ आर ए एन जी आई एन यू एम, कोरेंजिनम में. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज है, इसमें चेंजेस हुआ, म्यूटेशन हुआ, उस वजह से क्या हुआ, म्यूटेशन होने की वजह से एक नए स्पीशीज में ये इवॉल्व होती है. ठीक है, तो ये थे जो तीन टाइप्स हमने देखा था. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन जो फोर टाइप है. ठीक है ना, ये वाला तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन क्या हुआ, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन हो गया एक, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन मीन्स व्हाट, कोई भी चेंज, ठीक है ना, जो हमें देखने को मिलता है, कोई भी चेंज, कोई भी चेंज हमें कहां देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे. देखिए, कोई भी चेंज जो हमें देखने को, विच आर विटनेस्ड और ऑब्जर्व्ड, कोई भी चेंज जो हम ऑब्जर्व करें, कहां पे, किसी भी मॉलिक्यूल, सेलुलर बोलो या जेनेटिक बोलो, ठीक है, उनकी सीक्वेंस में चेंजेस जो हम ऑब्जर्व करेंगे, कहां पे, इन द सीक्वेंस ऑफ, किसमें, सीक्वेंस ऑफ, या आप इसमें कहो सीक्वेंस ऑफ, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कौन से मॉलिक्यूल, सेलुलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, सेलुलर मॉलिक्यूल्स में. ठीक है ना, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के सेलुलर मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस में कोई भी चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो उस तरह की जो इवोल्यूशन है, ठीक है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल, जैसे अगर सेलुलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, सेलुलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें सेलुलर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, लाइक डीएनए हो सकती है, आरएनए हो सकती है, या प्रोटीन्स हो सकती है. ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स में, इनकी सीक्वेंस में हमें वेन एवर वी ऑब्जर्व ए चेंज, ठीक है ना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस तरह की जो इवोल्यूशन है उसको हम नाम दे देंगे मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन. ठीक है, सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इज सिंपली, इट इज द चेंज, ठीक है ना, इट इज द चेंज, कोई भी चेंज, अभी तक हमने देखा था ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स में, फिजिकल या मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, या हमने देखा उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर में या बिहेवियर में जो चेंजेस आता था उसी को हमने नाम दिया था डिफरेंट, जैसे माइक्रो, मैक्रो या मेगा इवोल्यूशन. ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है इसमें क्या होता है, इसमें चेंजेस होता है किसमें, हियर वी ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ, इन द सीक्वेंस ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूल, जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारा सेल हो गया. ठीक है, सेल में अगर हम देखें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ठीक है, तो अगर हम सेल की बात करें तो इसमें राइबोसोम होता है, वो डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म करती है ना, और अगर हम देखें इसी प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन
और दूसरा होता है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, तो जो प्रोटीन फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये सेल के अंदर। ठीक है, बट द प्रोटीन, जैसे फंक्शनल प्रोटीन की बात करें तो इसमें हमारे एंजाइम्स वगैरह जो चीजें आता है, ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वही फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स है जो हमारे सेल में जो फंक्शनल रोल प्ले करता है, अगर इनमें, इन मॉलिक्यूल्स में अगर कोई चेंजेस हो, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है ना। ठीक है, इसमें हमारे डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना, इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स में, इनमें अगर इनके सीक्वेंस में हमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है ना, इफ यू ऑब्जर्व सर्टेन चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, वेदर इट इज डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस में, या आरएनए के सीक्वेंस में, या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के डीएनए के सीक्वेंस में जो कोई चेंज हो, या आरएनए के या प्रोटीन के, ठीक है, तो इस तरह की जो इवोल्यूशन है, जिस वजह से क्या होगा, अगर इनके डीएनए मॉलिक्यूल में, आरएनए मॉलिक्यूल में, प्रोटीन मॉलिक्यूल में चेंज आएगा, तो अल्टीमेटली हम ऑब्जर्व करेंगे चेंज एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल, इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब इनके सीक्वेंस में हमें चेंजेस देखने को मिलता है, तो उस तरह की जो इवोल्यूशन है उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। चलिए, सो इसी चीज को थोड़ा सा आपको शॉर्ट शॉर्ट में लिख के देते हैं। ठीक है, सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के, ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है ना, हमने बाकियों के भी देखे तो इसके भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इज व्हाट, इट इज द चेंज, ये क्या है, इट इज द चेंज, कोई भी चेंज जो हम ऑब्जर्व करते हैं कहां कहां पे, इट इज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ, ठीक है ना, इन द सीक्वेंस ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, किसमें, सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस में जो चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, इन द सीक्वेंस कंपोजिशन, इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ सेल्यूलर, या आप बात लिख सकते हो सीक्वेंस या कंपोजिशन ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब भी हम चेंजेस देखेंगे इन द सीक्वेंस ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कौन कौन सा है, लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है, इनके सीक्वेंस में, इनके सीक्वेंस कंपोजिशन भी, यहां आप कंपोजिशन लिख देना, ठीक है, सीक्वेंस कंपोजिशन में कोई चेंजेस हमें देखने को मिलता है इस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स में, ठीक है, विद ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है ना, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को हमने डिफाइन किया, इट इज द चेंज, ठीक है ना, कि चेंज होना किसमें, इन द सीक्वेंस कंपोजिशन में, किसमें, सीक्वेंस कंपोजिशन ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है, इनके सीक्वेंस में कोई भी चेंज आए, ठीक है ना, एक दो दिन में नहीं, बट इवोल्यूशन इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है ना, ये कोई साइमल्टेनियस प्रोसेस है नहीं, ठीक है, हमें पता है इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है, एंड इट टेक्स मिलियन ऑफ मिलियन इयर्स, ठीक है ना, टू ऑब्जर्व दीज चेंजेस। ठीक है, तो चेंज इन द सीक्वेंस कंपोजिशन ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, और टाइम इसमें कितना लगता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब इसमें टाइम जो है वो बहुत ज्यादा आपको मीन्स आपको जनरेशन में, एक दो जनरेशन में नहीं, बल्कि यू हैव टू वेट फॉर, ठीक है ना,
लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस जब आपका एवोल्यूशन जो है विटनेस करनी हो, ठीक है। तो अगर हम देखें मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करता है, क्या चीज एक्सप्लेन करता है, ये हमें एक्सप्लेन करेगा, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, इट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, ये हमें क्या एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल चेंजेस एट द मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल, ठीक है ना, बायोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, एट द मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर लेवल, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी और सेल्यूलर लेवल पे भी, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है बायोलॉजिकल चेंज को, किस पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी और सेलुलर लेवल पे, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है, अगर हम उसकी बात करें तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है ना, जो एवोल्यूशनरी चेंज है उनके प्रिंसिपल को यूज करके, एंड और क्या है, एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो दीज आर व्हाट, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है, ये देखिए। तो ये हमें क्या चीज एक्सप्लेन करेगा, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, ये हमें जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है, व्हाट इट डज, इट एक्सप्लेन, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जो चेंजेस एट मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल, ठीक है, कि चेंजेस जो होता है किस पे, मॉलिक्यूलर और सेलुलर सेलुलर लेवल पे, ठीक है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज एंड पॉपुलेशन चेंजेस। और इसमें अगर हम प्रिंसिपल देखें, ठीक है ना, या बेसिस देखें या रीजन देखें, तो वो चेंजेस किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस या पॉपुलेशन जेनेटिक्स के प्रिंसिपल पे ये चीजें बेस्ड होता है, ठीक है। ये हो गया दो पॉइंट। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें कि ये जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है जिसमें हम ये चीजें देखते हैं, विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स लाइक एवोल्यूशनरी चेंज या पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि मेन रीजन क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है। तो मेन रीजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, मेन रीजन क्या हो सकता है, मेन रीजन जैसे हमने देखा माइक्रो इवोल्यूशन में मेन रीजन था देयर वाज सर्टेन प्रोसेस लाइक म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन। हमने मेगा इवोल्यूशन में क्या देखा, मेगा इवोल्यूशन में जो है फिजिकल चेंजेस जो है दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन, और हमने मेगा इवोल्यूशन में भी देखा, ठीक है ना। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में जो रीजन देखें, व्हाट इज द रीजन फॉर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, तो हम लिखते हैं इसमें, या हम सिंपली लिखें द फोर्सेस, ठीक है ना, द फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्व, फोर्सेस इन्वॉल्व इन एन मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है ना, इन मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में वो कौन कौन से फोर्सेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले आता है म्यूटेशन आता है, सबसे पहले क्या आता है, म्यूटेशन, ठीक है, जो म्यूटेशन प्रोसेस है दैट इज सडन चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ जीन्स में, जीन्स की जो न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है ना, जो सडन चेंजेस होता है, ठीक है ना, विच मे बी ड्यू टू अगर हम बात करें, अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, या डिफरेंट म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, या हम देखते हैं सेल प्रोसेस के दौरान में क्या होता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, उस टाइम पे हम म्यूटेशन जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन इज व्हाट वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द फोर्सेस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें इसमें, दैट इज
रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट इज जीन फ्लो की बात करो या आप जीन कन्वर्शन की बात करो, इट इज एन ऑल्सो, इट्स ऑल्सो एन जीन कन्वर्शन इज ऑल्सो एन फोर्स और ए फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इट इज ऑल्सो ए रीजन, और साथ में एंड लास्टली हम बोल सकते हैं सेलेक्शन, ठीक है। सो दीज आर वॉट जो रैंडम सेलेक्शन होती है, ठीक है, नेचुरल सेलेक्शन की जो हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल सेलेक्शन की, ठीक है। तो व्हाट आर द फोर्सेस, तो उसमें आता है सबसे पहले म्यूटेशन आता है, सेकंड हमारे पास आता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ये दोनों हमें सेल डिवीजन के प्रोसेस में, ठीक है ना, मैकेनिज्म में हमें चीजें देखने को मिलता है। जीन कन्वर्शन इट इज ऑल्सो रीजन फॉर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। फिर उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और लास्ट में क्या है सेलेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है, दीज आर द फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्व इन मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, लास्ट पॉइंट लिखेंगे न्यू जीन्स। अब इसमें जब चेंजेस जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो न्यू जीन्स है वो अराइज होते हैं बाय सेवरल जेनेटिक मैकेनिज्म, जो न्यू जीन्स है वो अराइज होते हैं बाय सेवरल जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, सेवरल जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है। जो न्यू जीन्स अराइज होंगे वो किससे होगा, बाय सेवरल जेनेटिक मैकेनिज्म, जैसे जो न्यू जीन्स अब इनमें फॉर्म होगा, ठीक है ना, एक जीन से जो या नए जीन्स या जिनकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। डीएनए में मान के चले, डीएनए में डिफरेंट जीन जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट जीन्स का डेवलपमेंट होना जीन, ठीक है ना, तो वो जो जीन्स है वो डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है न्यू जीन्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, न्यू जीन्स की फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे द न्यू जीन्स जो डीएनए में फॉर्म होगा, आरएनए में फॉर्म होगा, ठीक है ना, दैट अराइज फ्रॉम सेवरल जेनेटिक मैकेनिज्म, वो किससे अराइज होती है, बाय सेवरल जेनेटिक मैकेनिज्म, वो कौन कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये चीजें डेवलप होता है, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म है उसमें आता है लाइक जीन डुप्लीकेशन, एक जीन का डुप्लीकेशन होना, ठीक है, जेनेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा जीन डुप्लीकेशन, ठीक है ना, या अगर हम बात करें रेट्रो ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना, रेट्रो ट्रांसपोजिशन ये आपने देखा होगा इन ट्रांसपोजोल्स करके एक कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, उनमें हमें रेट्रो ट्रांसपोजिशन ये मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है ना। अनदर मैकेनिज्म इज काइमेरिक जीन फॉर्मेशन, ठीक है ना, काइमेरिक जीन फॉर्मेशन, काइमेरिक जीन फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए मैकेनिज्म, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, एक होता है कोडिंग, दूसरा क्या होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड जीन ट्रंकेशन, एंड लास्ट में लिखो जीन ट्रंकेशन, ठीक है, ये समझो क्या लिखा है, ठीक है। अब डीएनए में जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज हुआ तो क्या होगा, या जीन्स जो है नए फॉर्म होंगे या प्रोटीन जो है नए फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें
जो न्यू जीन्स है जो डीएनए में आरएनए जो न्यू जीन्स फॉर्म होगी ठीक है वो अराइज होता है बाय डिफरेंट जेनेटिक मैकेनिज्म से। वो कौन कौन से जेनेटिक मैकेनिज्म है? सबसे पहले है जीन डुप्लीकेशन। क्या है? जीन डुप्लीकेशन से न्यू जीन फॉर्म होगा। रेट्रो ट्रांसपोजिशन होता है, ठीक है ना, ये ट्रांसपोजोन में आपने देखा होगा। काइमेरिक जीन फॉर्मेशन यानी एक नया जीन फॉर्म, काइमेरिक एक और मैकेनिज्म है काइमेरिक जीन फॉर्मेशन। एंड लास्ट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का फॉर्म होना एंड जीन ट्रंकेशन, ठीक है। तो ये थे, दिस आर व्हाट द मैकेनिज्म दैट इज बाय विच न्यू जीन्स आर फॉर्म, ठीक है ना। सो अब आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की, वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब देखना है एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में कौन कौन से एग्जाम्पल जो है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं या चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या चीजें आता है, ठीक है ना। अगर आप देखें, अब ये हमें देखना है कि ये मॉलिक्यूलर अगर जो चेंजेस होता है या मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम ऑब्जर्व करें डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस को या जीन सीक्वेंसेस को, ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस जो है वो हमें कैसे एवोल्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें किसमें जो अलग अलग स्पीशीज होती है हमारे पास, एक है राउंड वॉर्म्स, ठीक है ना, क्या होती है राउंड वॉर्म्स, ठीक है ना। तो अगर हम इस राउंड वॉर्म्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स को हम बोलते हैं एस्केलमेंथिस, ठीक है ना। एक होता है आपका प्लेटीहेलमिंथस एंड एस्केलमेंथिस, ठीक है ना। तो एस्केलमिंथस में आपके राउंड वॉर्म्स और प्लेटीहेलमिंथस में आपके फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है ना। तो अगर हम राउंड वॉर्म्स की अगर हम देखें, ठीक है, राउंड वॉर्म्स और ह्यूमंस को अगर हम कंपैरिजन करें, किसको, ह्यूमंस को, ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो, और कंपेयर करने के बाद हम जेनेटिक होमोलॉजीज को देखें इन दोनों के, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम जेनेटिक होमोलॉजीज देखें, मींस व्हाट, कि कितना इनकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितना सिमिलर है, ठीक है ना, कितना रिजेंबल करता है, ठीक है। तो हमें कितना मिलता है राउंड वॉर्म और ह्यूमंस में, नियरली 25%, ठीक है ना, नियरली 25% जो एस्केलमिंथस के जो या राउंड वॉर्म्स के जो जीन्स होता है, ठीक है ना, और राउंड वॉर्म्स और किसका, ह्यूमंस का अगर हम कंपेयर करें तो नियरली 25% ऑफ जीन जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया जो चेंजेस है, ठीक है ना, या सिमिलरिटी से हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जब हम राउंड वॉर्म्स को देखें या ह्यूमंस को देखें तो इनमें 25% जो है जेनेटिक होमोलॉजी होगी, यानी जेनेटिक सिमिलरिटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दीज जीन्स आर स्लाइटली डिफरेंट इन ईच स्पीशीज बट देयर साइज, ठीक है ना, तो 25%, ठीक है ना। तो आप यहीं से अंदाजा कर सकते हो कि जो राउंड वॉर्म्स होता है या ह्यूमंस होता है, अगर हम देखें इन राउंड और ह्यूमंस को, तो 25% इसमें जेनेटिक सिमिलरिटीज जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे अब ये जो जीन्स है, अब जो 25% जो जीन है इनमें, वो हो क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है ना, बट दे आर सिमिलर, ठीक है ना, स्लाइटली। ये जो जीन्स, जो 25% जो जीन्स है, ठीक है ना, ये जीन्स होता है स्लाइटली डिफरेंट होता है, बस थोड़ा सा इनमें ही डिफरेंस होगा, ठीक है ना, स्लाइटली डिफरेंस जो है इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंस होने के वजह से इन ईच स्पीशीज में ये स्लाइटली डिफर करेंगे, बट देयर स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज। अब ये जो है ना 25% जो सिमिलरिटीज है इसमें, तो ये हमें क्या सिमिलरिटीज जो है वो हमें क्या कंक्लूजन देती है, इट रिवील्स देयर कॉमन एंसेस्ट्री। अब जो 25% है ना, जो बाकी सिमिलरिटीज है, अब ईच स्पीशीज में, हर कोई स्पीशीज में ये चीजें स्लाइटली डिफर करता है, बट जो सिमिलरिटीज है
इट रिवील्स देयर कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है ना, जो इनमें सिमिलैरिटीज है ये रिवील करता है देयर कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है ना, मीन्स देयर ये हमें ये कंक्लूजन देता है ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री का, ठीक है ना, मीन्स इनकी जो एंसेस्टर है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल किसका, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ राउंड वर्म्स या ह्यूमंस, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन वर्म्स एंड सॉरी राउंड वर्म्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, वो क्या करती है, दे शेयर, वो क्या क्या करती है, दे शेयर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दे शेयर जेनेटिक होमोलॉजी, ठीक है ना, जेनेटिक होमोलॉजी जो है वो शेयर करता है, ठीक है। तो उसमें आप एग्जाम्पल लिखो कि राउंड वर्म जो है वो शेयर करता है दैट शेयर नियरली 25% जो है ऑफ जीन्स विद दैट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो राउंड वर्म जो है वो क्या करती है, इट शेयर 25% ऑफ देयर जीन विद ह्यूमंस, ठीक है, 25% ऑफ जीन जो है वो ह्यूमन के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जीन्स है अगर हम देखें हर स्पीशीज में तो वो स्लाइटली डिफर करता है, ठीक है ना, स्पीशीज लेवल पे अगर हम आके देखें, ठीक है ना, ह्यूमंस में और राउंड वर्म्स में, ठीक है, तो वो स्पीशीज लेवल पे स्लाइटली ये जीन जो है जो 25% सिमिलर है वो स्लाइटली डिफर करता है, बट जो 25% इनमें सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलता है, इट रिवील्स देयर कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है ना, इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें ये चीजें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ठीक है, जो सिमिलरिटीज हमें क्या कॉमन एंसेस्ट्री की हमें क्या देती है, एग्जांपल देती है, ठीक है। सो ये हो गया पहला एग्जांपल किसका, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जाम्पल है जो हम डॉग ब्रीड्स देखते हैं, जो डॉग की जब हम डॉग को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसके अलग अलग ब्रीड्स जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, जैसे बुलडॉग होता है या क्या होती है, बुलडॉग होती है, ठीक है, या जो और क्या होता है डॉग के अलग अलग ब्रीड्स, ठीक है ना, बुलडॉग होगा, ठीक है ना, या जर्मन शेफर्ड होगा, ठीक है, या और कोई, ठीक है ना, इसको हम B1 लिख के रखेंगे, ठीक है, जर्मन शेफर्ड बुलडॉग या ABC करके रखेंगे, ठीक है ना, ये क्या हुआ, अलग अलग डॉग ब्रीड, ठीक है ना, ABC, ठीक है। तो जब हम इनमें ऑब्जर्व करते हैं क्या, जो डॉग्स को डॉग की ब्रीड्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो अब ये ब्रीड जो है इनमें क्या होता है, फिजिकल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, फिजिकल वेरिएशन, यानी ये सारे एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट फिर भी हमें फिजिकल वेरिएशन इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो इनमें फिजिकल वेरिएशन जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो जो फिजिकल वेरिएशन है दैट इज वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इन वेरिएशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे मॉलिक हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन दीज वेरिएशंस, ठीक है ना, सो इनको हम इन जो चेंजेस है या डिफरेंसेस है इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन 7 जेनेटिक रीजन्स में, ठीक है, 7 जेनेटिक रीजन्स में, ठीक है, 7 जेनेटिक रीजन्स में हम ये डिफरेंसेस जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉग्स को अगर हम देखें उनकी अलग अलग ब्रीड्स होती है, लाइक जर्मन शेफर्ड बुलडॉग या फलाना, ठीक है ना, तो ABC करके रखो, तो इनमें जो फिजिकल वेरिएशन हमें ऑब्जर्व, इनमें हमें फिजिकल वेरिएशन क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है, तो इनमें जो फिजिकल वेरिएशन है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय इन 7 जो जेनेटिक रीजन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो वो चीज हम
सेवन जेनेटिक, जो जेनेटिक रीजन है ठीक है ना, उसके सेवन रीजन में, उसके जेनेटिक मटेरियल में हमें सेवन रीजन्स ऐसे हैं ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ठीक है। सेवन रीजन्स ऐसे हैं जो हमें ये जो डिफरेंसेस है ना उनको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ठीक है। तो ये जो सेवन लोकेशंस है ठीक है ना जीनोम में, ये हमें क्या एक्सप्लेन करेगा? अब ये जो जीनोम है इसमें सेवन रीजन्स ऐसे हैं जो इन डिफरेंसेस को हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ठीक है। तो ये जो सेवन सेवन जो जेनेटिक रीजन्स है ठीक है, तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है? अबाउट 80% ऑफ डिफरेंसेस ये हमें एक्सप्लेन करता है। दीज सेवन जेनेटिक रीजन जो है इट एक्सप्लेन्स अबाउट 80% ऑफ डिफरेंसेस ठीक है ना। इनमें जो 80% ऑफ डिफरेंसेस है ना, किसमें? वो डिफरेंसेस इनके हाइट में हो सकता है ना, या वेट में हो सकता है ठीक है ना, इन देयर हाइट एंड वेट ठीक है ना, वेट अमंग देम ठीक है। तो ये चीजें ये हमें बता सकता है ठीक है। तो इस मॉलिक इसमें इस एग्जांपल में क्या है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की ठीक है ना, इसमें जो डॉग्स है ठीक है ना, जो डॉग्स है उनके अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, होता है कि नहीं? तो एक स्टडी ने ये चीज रिवील किया था ठीक है, ये एक स्टडी था ठीक है, एक स्टडी दैट वाज मेड। और इस स्टडी ने क्या रिवील किया, ये क्या था, ये एग्जाम्पल जो है ना इट वॉज अ स्टडी ठीक है ना। और ये स्टडी करने के बाद हमें ये स्टडी किया किसी साइंटिस्ट ने, और इस स्टडी ने ये रिवील किया ठीक है ना, ए स्टडी रिवील दैट दैट डिफरेंट ठीक है ना, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग जो है ना, जो डॉग ब्रीड्स होते हैं ठीक है ना, वी ऑब्जर्व डिफरेंट उनमें फिजिकल वेरिएशन जो है हमें देखने को मिलता है, इन फिजिकल वेरिएशन इज ऑब्जर्व इन डिफरेंट डॉग ब्रीड्स ठीक है ना। और ये जो फिजिकल वेरिएशन है ठीक है ना, ठीक है, अब इन फिजिकल वेरिएशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है, कैसे? वी हैव टू, एक तो फिजिकली है बट मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे करेंगे? फिजिकल वेरिएशन को हम डिटरमाइन करते हैं, वी कैन डिटरमाइन दिस फिजिकल वेरिएशन इन सेवन जेनेटिक रीजन ठीक है। इसकी जीनोम को जब हम ऑब्जर्व करते हैं ठीक है, तो ये हुआ जीनोम, इस जीनोम में सात ऐसी जगह है ठीक है जो हमें इन डिफरेंसेस के बारे में, डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है ठीक है। एंड दिस सेवन इन जीनोम, ये जो सेवन जेनेटिक रीजन्स है ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, जीनोम में ये जो सेवन, ये जो सेवन जेनेटिक रीजन्स है ना, इट एक्सप्लेन्स अबाउट 80% ऑफ डिफरेंसेस, जो 80% ऑफ डिफरेंसेस इन ब्रीड्स में हमें देखने को मिलता है ना, इन देयर हाइट और वेट, ये चीजें सारा एक्सप्लेन कर देती है ठीक है। सो ये हो गया सेकंड एग्जांपल ठीक है ना। चलिए तो थर्ड अगर हम देखें, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखें जिसमें हम ये हो गया जीन्स का या जीनोम की बात। अब हम देखते हैं थोड़ा सा प्रोटीन्स की, प्रोटीन जो है, जो अगर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में हमारे लिए जीनोम्स होता है, प्रोटीन्स होता है कि नहीं, तो डीएनए होता है, आरएनए और प्रोटीन्स होता है। तो हम जो प्रोटीन्स है ना वो हमें कैसे एक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का एग्जाम्पल देता है ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे, तो एग्जाम्पल में ये चीज आया है जो अगर हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे, किसके? फ्रॉम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ठीक है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे किसका? अगर हम एनालिसिस करें, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करें किसका? ऑफ प्रोटीन फ्रेगमेंट्स ठीक है ना। अभी तक हमने डीएनए और आरएनए का देखा, अब देखते हैं प्रोटीन फ्रेगमेंट्स का ठीक है। तो प्रोटीन फ्रेगमेंट्स की जब हम क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं फ्रॉम फॉसिल्स है ठीक है ना, फ्रॉम फॉसिल्स, फ्रॉम द फॉसिल्स ठीक है, फ्रॉम द फॉसिल्स, बिकॉज फॉसिल इट फॉर्म्स एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन ठीक है। तो
तो एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, एक रिसर्चर था, उसका नाम ऑर्गन था, ठीक है। तो उसने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के बाद उसने एक रिपोर्ट दिया था हमें, ठीक है, जिसमें उसने क्या देखा, हिज नेम वाज ऑर्गन, ठीक है ना। तो ही रिपोर्टेड, उसने क्या रिपोर्ट किया, रिपोर्टेड दैट, अब उसने क्या रिपोर्ट किया, किसके बेसिस पे, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ प्रोटीन फ्रेगमेंट्स पे, ठीक है। तो उसने हम उसने ये देखा, उसने व्हाट ही ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व द क्लोज सिमिलैरिटी, उसने दो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल को एनालाइज किया, ठीक है। एक था मोस्टोडोन, देखो ये जो ऑर्गन है ना, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, ऑर्गन एडल्ट करके आपके बुक में होगा, ठीक है। तो मोस्टोडोन और उसने एलिफेंट को, ELPHANT, एलिफेंट, ठीक है ना, इन दोनों की फॉसिल्स को निकाला और उसकी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की, ठीक है। क्या किया, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ठीक है, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। और उसने फॉसिल्स रिकॉर्ड में प्रोटीन फ्रेगमेंट्स की एनालिसिस की, ठीक है। तो उसने क्या देखा, जो मोस्टोडोन जो है या एलिफेंट जो है ये क्या थे, दे शोड ए क्लोज सिमिलैरिटी जो है आपस में शो कर रहा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजें इसमें सिमिलर्स थे, तो क्लोज सिमिलैरिटी जो है वो शो कर रही थी, ठीक है। और इसी तरह उसने फर्दर ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक तो इन दोनों में, ठीक है ना, क्लोज सिमिलैरिटी उसने ऑब्जर्व किया किसमें, एक तो मोस्टोडोन और एलिफेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद इसने देखा जो बर्ड्स है, कौन से बर्ड्स हैं, और बर्ड्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं किससे, रेप्टाइल से है कि नहीं, तो उसने क्लोज सिमिलैरिटी इसमें भी देखा, किसमें, एक तो बर्ड्स में और जो रेप्टाइल्स है उसमें, उसमें क्लास है दैट इज टायरानोसोरस, ठीक है ना, टायरानोसोरस, ठीक है ना, सोरस, ठीक है ना, ये हो गया रेप्टाइल, ठीक है, डायनासोर का एक क्लास है जिसमें जो टायरानोसोरस है और बर्ड्स में, वो दोनों भी, ये दोनों भी क्या शो कर रहा था, दे शोड ए क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन देम, ठीक है। तो इट वाज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रॉम द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ प्रोटीन फ्रेगमेंट्स ऑर्गन एटल, ठीक है ना, ही रिपोर्टेड दैट, व्हाट ही रिपोर्टेड, ही रिपोर्टेड ए क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन मोस्टोडोन एंड एलिफेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द बर्ड्स एंड टायरानोसोरस, ठीक है। इन दोनों में क्या ऑब्जर्व किया, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में, इन चारों में उसने क्लोज सिमिलैरिटी, यानी बहुत सारी चीजें जो है उनमें सिमिलर था, विच रिजल्टेड दैट, ये जो है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है या बर्ड्स है या टायरानोसोरस है, कि इनकी जो एंसेस्टर है, ठीक है ना, वो कॉमन रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक होता है, दैट इज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ये भी क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है।